सुस्वागतम छात्राः, अद्य वयं प्रथमः पाठः स्तुतिः पठिष्यामः। येन विचित्रतम पुष्पं चंद्रमा शीतलीकृतः सर्वसः कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। कस्मै नमः? तस्मै विश्वात्मने, उस विश्वात्मा को नमस्कार है। येन विचित्रतम पुष्पम, जिसने चित्र रंगीन पुष्प बनाए और चंद्रमा को शीतलता प्रदान की। सर्वम सहा, सब कुछ सब बर्दाश्त करने वाली, सहन करने वाली पृथ्वी जिसने बनाई, तस्मै विश्वात्मने नमः, उस विश्वात्मा के लिए नमस्कार है। प्राणदम शीतलम वायु, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदाम मातरम पृथ्वीम यश्च कारणमामितम, जिसने प्राण देने वाली शीतल वायु बनाया, जीवन देने वाला निर्मल जल दिया बनाया, अन्न देने वाली पृथ्वी मादी, तम नमामि, यह चकार जिसने बनाया उसे हम नमस्कार करते हैं। येन शुक्लीकृतो हंसः, जिसने हंस को सफ़ेद बनाया। लवणाक्तो महोदधि, महोदधि माने समुद्र को नमकीन बनाया। सहस्रांशुः कृतः सूर्य, सूर्यम सूर्य को सहस्रांश हजारों किरणों वाला बनाया। तस्मै सर्वात्मने नमः, उस सर्वात्मा के लिए, परमात्मा के लिए नमस्कार है। वंद्यः पिता महाकाशो, अपूज्य माता वसुंधरा, पिता की पूजा महाकाश के रूप में करते हैं। वंद्यः पिता महाकाशः, महान आकाश की तरह जो महान है उस पिता को वंदना करते हैं। और वसुंधरा की तरह जो वसुंधरा जो हमारी माँ है, मैं उस माता को ही पूजा करता हूँ। ध्येयम सदा परब्रह्म, उस परब्रह्म को हमेशा ध्यान करता हूँ। येन धारयते अखिलम जगत, जिसने ये संपूर्ण जगत धारण कर रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी कल्याणों को देखें, और कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्, कोई भी दुख का भागी न रहे, न बने। इसका अर्थ आपके पुस्तक में दिया गया है। शब्द संग्रह में ऐसे शब्दों को अर्थ सहित याद करें। फिर हम आते हैं अभ्यास पर। सही उत्तर पर निशान लगाएं। केन पुष्पम विचित्रतम, तो विश्वात्मना। केन पुष्पम विचित्रतम, विश्वात्मना। का सर्वम सहा, पृथ्वी सर्वम सहा, पृथ्वी सब कुछ सहन करने वाली है। सहस्रांशुः कः, हजार किरणों वाला कौन है? सूर्य। महोदधि कीदृशः, लवणाक्तः, नमकीन। हंसस्य वर्णः कः, हंस का वर्ण क्या है? शुक्लः। प्रश्न नंबर दो, पाठ्यांश के आधार पर सही विशेषणों को रेखांकित करें। पृथ्वी अन्नदा, वायुः प्राणदः, जलम जीवदम, चंद्रः शीतलीकृतः, और परम ब्रह्म ध्येयम्। प्रश्न नंबर तीन, प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। ये पर्यायवाची शब्द इन्हीं नीचे दिए गए इन शब्दों में से ही आपको लिखना है। पृथ्वी धारा वसुंधरा, वायु पवनः अनिलः, इसमें नीचे दिया गया पवनः अनिलः, चंद्रः निशाकरः शशि, सूर्यः रविः दिवाकरः, महोदधिः इसका पयोधि जलधि, जलम अम्बुवारी। प्रश्न नंबर चार पे आते हैं। पद परिचय कीजिए, लिंग विभक्ति और वचन दें। आगे दिया गया है आपको, येन पुलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन, क्यों पहला इन्होंने कर रखा विश्वात्मने, दूसरा हम येन, तीसरा है तस्मै पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एक वचन। सर्वम सहा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, सर्वम सहा भद्राणी नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन। प्रश्न नंबर पाँच, नीचे दिए गए श्लोकों को पूरा करें।
येन चंद्रमा शीतलीकृतः सर्वं सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। ये आपकी पुस्तक में है। येन शुक्लीकृतो हंसः लवणाक्तो महोदधिः सहस्रांशुः कृतः सूर्यः तस्मै सर्वात्मने नमः। प्रश्न 6, अर्थ लिखें। सर्वं सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। पृथ्वी को सब कुछ सहन करने वाली बनाने वाले उस विश्वात्मा को नमस्कार है। अन्नदाम मातरम पृथ्वीम यश्चकार नमामितम, जिसने पृथ्वी माता को अन्न देने वाली बनाया उसे प्रणाम करता हूँ, यह प्रणाम है। येन शुक्लीकृतो हंसः लवणाक्तो महोदधिः, जिसने हंस को सफ़ेद बनाया और समुद्र को नमकीन बनाया। ध्येयम सदा परब्रह्म, उस परब्रह्म को हमेशा मैं ध्यान करता हूँ। ये नेदम धारते अखिलम जगत, जो इस संपूर्ण विश्व को धारण करता है उसे ध्यान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। प्रश्न नंबर 7 पे आएँ, संस्कृत में अनुवाद करें। परमेश्वर ही संसार के पालक हैं, तो परमेश्वर एव अस्य जगतः पालकः अस्ति। हम प्राण देने वाले परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। अहम प्राणदम, हम वयम प्राणदम परमेश्वरम प्रणमामः वयम आमः, जिसने सूर्य को हजारों किरणों वाला बनाया उसे नमस्कार। येन सूर्यम सहस्रांशुः कृतः तस्मै परमात्मने नमः। धरती हमारी माता है, पृथ्वी अस्माकं जननी अस्ति। निरोग व्यक्ति सुखी होते हैं, निरामयाः जनाः सुखिनः भवन्ति। सब मनुष्यों को ईश्वर सुखी करे। सर्वान् जनान् ईश्वरः सुखिनः करोतु, बहुवचन है इसलिए ईश्वरः सुखिनः करोतु। थैंक यू।